Good morning everyone, namaskar. Before we start the lecture, first of all we are going for the slokas, okay? So close your eyes and start with me. Gurur Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Shakshat Parabrahma, Tasme Shri Guruve Namaha. तस्मे श्री गुरुवे नमः. ओके, सो आफ्टर द श्लोकास वी आर गोइंग फॉर द सम लिटिल बिट एक्सरसाइज. ओके, सो देयर इज अ आई एक्सरसाइज एंड हैंड एक्सरसाइज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग फॉर द आई एक्सरसाइज. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रब योर हैंड्स लाइक दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रब योर हैंड्स फास्टली, देन आफ्टर यू हैव टू पुट योर फिंगर्स ऑन आईज. Okay, again you have to do this three times. Okay, so like this. Okay, so you have to do three times. Okay, then after you have to do the another exercise like a hand exercise like this, straight hands, and then after you have to rotate your hands. ओके, सो इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है डेली बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर्स. ओके, ओके सर, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लेक्चर. सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर प्लेस. सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग फॉर द मेकिंग अ पिक्टोग्राफ विथ स्केल एंड And let's see the some examples of the pictographs. How to make the pictograph and how to calculate the pictograph. But before we start the lecture, we have to know about the last lecture. तो last lecture के अंदर हमने क्या done किया था? Okay? So last lecture के अंदर हमने यहाँ पे जो हमारा data table है उसमें किस तरह से pictograph का use होता है और हमारी जो key होती है उसके बारे में हमने समझा था कि वॉट इज़ द की, वॉट इज़ द पिक्टोग्राफ एंड एक्सेट्रा. देन आफ्टर हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखा था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और उसका हमने यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिया था. ओके, सो हमारी एक्सरसाइज आई कैन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी थी. ओके, देन आफ्टर वी हैव टू स्टार्ट द मेकिंग अ पिक्टोग्राफ विद स्केल. ओके, सो देर इज़ अ एग्जाम्पल नंबर वन. ओके, so let's start to understand. Okay, so there is a example number one. So let's see the read the instruction. The table below the shows the favorite colors of some childrens in a class. Okay, तो यहाँ पे जो childrens के favorite colors है उसका यहाँ पे एक list है. Okay, so first of all there is a color and number of childrens. तो उसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे colors के name है और यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस के नेम है जो कलर्स को लाइक करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज अ रेड कलर. सो रेड कलर जो है वो यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं. देन आफ्टर ग्रीन कलर देर इज अ 8 चिल्ड्रंस. ब्लू कलर देर इज अ 4 चिल्ड्रंस. येलो देर इज अ 6 चिल्ड्रन. पिंक देर इज अ 12 चिल्ड्रंस. एंड ऑरेंज देर इज अ 4 चिल्ड्रंस. ओके, तो हम यहाँ पे इसका पिक्टोग्राफ क्रिएट कर सकते हैं. पिक्टोग्राफ का मतलब होता है कि यहाँ पे नंबर की जगह पे हम यहाँ पे कोई सिंबॉलिक यूज़ कर सकते हैं और एक की हम क्रिएट कर सकते हैं कि दिस की इज इक्वल टू दैट एंड दिस स्टूडेंट्स. ओके, तो नंबर की जगह पे हम सिंबॉलिक यहाँ पे यूज़ करेंगे. ओके, सो लेट स्टार्ट. ओके, सो आप यहाँ पे पिक्टोग्राफ के अंदर देख सकते हो, तो यहाँ पे ईच स्माइली स्टैंड फॉर टू चिल्ड्रंस. उसका मतलब है कि यहाँ पे पर स्माइली यहाँ पे टू चिल्ड्रंस यहाँ पे काउंट होंगे. जहाँ पर भी आप सिंबल स्माइली का रखोगे वहाँ पे टू चिल्ड्रंस काउंट हो जाएंगे. तो यहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो हमने यहाँ पे 5 स्माइली रखी हुई है. इट मीन्स देयर इज अ 10 चिल्ड्रंस. तो यहाँ पे 10 चिल्ड्रंस जो है वो रेड कलर को लाइक करते हैं.
आप यहाँ पर भी देख सकते हो रेड कलर एंड 10 स्टूडेंट्स, बट पिक्टोग्राफ के अंदर हम यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे स्माइली ड्रॉ करेंगे। ओके तो ये पिक्टोग्राफ की मेथड होती है। ओके और हमारी ये जो की है यहाँ पे लिखा हुआ है ईच स्माइली स्टैंड फॉर 2 चिल्ड्रन। ओके तो हमने यहाँ पे 5 स्माइलीज ड्रॉ की है। ओके एंड ईच स्माइली इज इक्वल टू 2, सो देर इज अ 2 + 2 + 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 10। तो उसी तरह से यहाँ पे ग्रीन, तो यहाँ पे 1, 2, 3 and 4 स्माइली, 4 × 2 इज इक्वल टू 8, देन आफ्टर 2 स्माइली फॉर येलो, सॉरी ब्लू, सो देर इज अ 4, देन आफ्टर येलो 1, 2 and 3, सो 3 × 2 इज इक्वल टू 6, देन आफ्टर 1, 2, 3, 4, 5 and 6, सो पिंक 4, 6 × 2 इज इक्वल टू 12, देन आफ्टर ऑरेंज, सो देर इज अ 1 and 2, सो 2 × 2 इज इक्वल टू 4, सो देर इज अ 4 ऑरेंज इज लाइक ऑरेंज कलर लाइक। ओके सो इसी तरह से हम पिक्टोग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2, अदरवाइज एग्जाम्पल नंबर 2, द टेबल बिलो शो द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रीड बाय द क्लास 3 स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द समर ब्रेक। तो यहाँ पे चिल्ड्रंस ने यहाँ पे बुक्स को रीड किया है, तो यहाँ पे एक लिस्ट है कि यहाँ पे कितने बच्चों ने कौन सी बुक को रीड किया है। तो हम यहाँ पे वन बाय वन देखते हैं। नेम ऑफ अ बुक, तो ये जो लिस्ट है वो बुक्स के नेम का लिस्ट है, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का लिस्ट है। ओके सो चिकन लिकन, तो यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स ने वो रीड किया है। देन आफ्टर एविल्स एंड द शू मेकर, तो यहाँ पे 15 स्टूडेंट्स ने रीड किया है। देन आफ्टर रेड राइडिंग हुड, तो यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रीड किया है। देन आफ्टर टाउन माउस कंट्री माउस, तो यहाँ पे 25 स्टूडेंट्स ने रीड किया है। देन आफ्टर ब्यूटी एंड द ब्लास्ट, तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रीड किया है। तो हम यहाँ पे उसका एक पिक्टोग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। ओके और यहाँ पे हमें की रख सकते हैं कि यहाँ पे पर बुक यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने की रखी हुई है ईच बुक स्टैंड फॉर 5 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें हर एक बुक के इक्वल टू में 5 स्टूडेंट्स काउंट करने हैं। तो यहाँ पे पहले 20 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे हमें 4 बुक्स रखनी पड़ेगी, 4 × 5 इज इक्वल टू 20, सो देर इज़ अ 1, 2, 3 and 4 बुक्स। सो चिकन लिकन बुक जो है वो यहाँ पे 4 बुक्स, मतलब कि यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स ने रीड की है। आप ये ग्राफ देख के भी बता सकते हो कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स ने रीड की है, यहाँ पे नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके उसी तरह से यहाँ पे 3 बुक्स है, तो 3 × 5 इज इक्वल टू 15, देर इज़ अ 4, सो यहाँ पे अगेन 20, देर इज़ अ 5 इज इक्वल टू 25 एंड देर इज़ अ 2 इज इक्वल टू 10। ओके सो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द एक्सरसाइज 12.1। ओके सो लेट्स स्टार्ट। सो द क्वेश्चन नंबर 1, द टेबल बिलो शो द फेवरेट ड्रिंक ऑफ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस, तो यहाँ पे चिल्ड्रंस का फेवरेट ड्रिंक यहाँ पे लिखा हुआ है। सो फेवरेट ड्रिंक मिल्क, तो यहाँ पे 9 चिल्ड्रंस को पता है मतलब लाइक है। जूस 12 स्टूडेंट्स को लाइक है। स्नैक, तो यहाँ पे 24 स्टूडेंट्स को लाइक है। एंड और यहाँ पे लेमेंडा, तो यहाँ पे 8 स्टूडेंट्स को लाइक है। ओके सो यूजिंग द सर्कल इज इक्वल टू 2 चिल्ड्रंस एंड हाफ सर्कल इज इक्वल टू 1 चिल्ड्रंस, ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ। तो हम यहाँ पे एक तरफ लिखेंगे जो ड्रिंक के नेम है वो, और यहाँ पे हम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन अ पिक्टोग्राफ। ओके तो हमें यहाँ पे ओनली सिंबल को ड्रॉ करना है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क, सो देयर इज अ मिल्क, सो मिल्क जो है वो यहाँ पे 9 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, तो हमें यहाँ पे 9 स्टूडेंट्स को शो करना है। तो यहाँ पे हमारी जो की है वो यहाँ पे सर्कल इज इक्वल टू 2, बट यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं सर्कल्स 1, मतलब कि 2
सेकेंड सर्कल मतलब 4, थर्ड सर्कल मतलब 6, देन आफ्टर फोर्थ सर्कल इज इक्वल टू 8, देन आफ्टर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हाफ सर्कल मतलब कि 1 चिल्ड्रन, तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8 एंड यहाँ पे हाफ सर्कल मतलब कि यहाँ पे 9, ओके सो देर इज अ 9, ओके देन आफ्टर ज्यूस तो देर इज अ 12 स्टूडेंट्स, ओके ज्यूस तो यहाँ पे 12 स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे 6 सर्कल, ओके अदरवाइज आप यहाँ पे उसको 12 डिवाइडेड बाई 2 भी कर सकते हो, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6, ओके अदरवाइज 12 के हाफ, तो यहाँ पे हमें 6 सर्कल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, तो यहाँ पे हमें 12 आंसर मिल चुका है। देन आफ्टर 24, तो यहाँ पे हमने 6 ड्रॉ किए थे, यहाँ पे हमें 12 ड्रॉ करने पड़ेंगे, बिकॉज ऑफ 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12, ओके सो देर इज अ शेक, सो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ओके देन आफ्टर लेमेंडा, तो यहाँ पे लेमेंडा जो है वो 8 स्टूडेंट्स को लाइक है, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं, सो 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4, सो देर इज अ 1, 2, 3 एंड 4, तो हम इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है इस तरह से, ओके देन आफ्टर हमारा क्वेश्चन नंबर 2, द टेबल बिलो शो द फेवरेट पेट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास पेट्स हैं जिसको हम पालतू भी बोलते हैं, पालतू एनिमल्स, तो यहाँ पे फेवरेट पेट्स तो केट्स यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 15, देन आफ्टर डॉग सो देर इज अ 20, देन आफ्टर रैबिट सो देर इज अ 10 एंड पैरट इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे पूरा हमारा जो टेबल है वो दिया हुआ है, सो यूज़ द अबव टेबल टू मेक अ पिक्टोग्राफ, ओके सो यहाँ पे आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको की अपने हाथों से बनानी है, ओके तो ईच यहाँ पे ब्लैंक दी हुई है स्टैंड फॉर ब्लैंक एंड स्टूडेंट, ओके तो यहाँ पे आप कोई भी की क्रिएट कर सकते हो, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो, सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 5, 10, जो भी आपको अच्छा लगे या फिर इजी लगे, ओके और मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे 5 यूज़ करो, बिकॉज ऑफ यहाँ पे 15, 20, 10 एंड 5 है, तो आप यहाँ पे 5 यूज़ करोगे तो आपको इजी रहेगा, तो ये आपको होमवर्क के अंदर करना है क्वेश्चन नंबर 2, ओके देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, ओके सो द टेबल बिलो शो द नंबर ऑफ एप्पल्स सोल्ड बाय अ फ्रूट सेलर इन अ 3 डेज, मेक अ पिक्टोग्राफ फॉर द गिवन टेबल, तो हमें इस टेबल के अकॉर्डिंग एक पिक्टोग्राफ क्रिएट करना है, ओके सो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको आपकी नोटबुक के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे स्पेस नहीं दी गई है, ओके और यहाँ पे कोई कीवर्ड्स नहीं दिए गए हैं, इट मीन्स हमें खुद से यहाँ पे कीवर्ड्स क्रिएट करने होते हैं, सो क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, लेट्स स्टार्ट, ओके सो देयर इज़ द क्वेश्चन नंबर 3, मैंने यहाँ पे नोटबुक के अंदर लिख दिया है, ओके आपको ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखना है, देन आफ्टर यू हैव टू ड्रॉ द टेबल, ओके सो मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लिया है, सो यहाँ पे हमारे लेबल्स हैं डे, यहाँ पे हमारे डेज होंगे और यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड, ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ अ डे 1, ओके हमारा डे 1, ओके सो डे 1 के अंदर यहाँ पे 40
एप्पल्स सोल्ड हुए हैं। ओके, तो आप यहाँ पे कोई भी नेम रख सकते हो, कोई भी सिंबल रख सकते हो। सो आप यहाँ पे रख सकते हो की में ईच, तो यहाँ पे आप एप्पल का सिंबल भी रख सकते हो, ट्रायंगल रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल रख रहे हैं। सो ईच ट्रायंगल स्टैंड्स फॉर, देर इज अ 10 एप्पल्स। ओके, देर इज अ 10 एप्पल्स। हमने यहाँ पे 10 क्यों रखा हुआ है? बिकॉज ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हो 40, 60, 70 है। तो आप यहाँ पे 10 लोगे तो इजी रहेगा। अगर आप यहाँ पे कोई और नंबर लेते तो थोड़ा हार्ड हो जाता हमारे लिए, तो हम यहाँ पे 10 यूज करेंगे। ओके, सो ईच ट्राइंगल स्टैंड फॉर 10 एप्पल्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास 40 है, तो हम 40 को किस तरह से दिखाएंगे? सो दैट इज अ 1, 2, 3 एंड 4 ट्राइंगल्स। सो देर इज अ 1, 2, 3 एंड 4। इट मीन्स 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, सो देर इज अ 40। ओके, देन आफ्टर डे टू, देन आफ्टर डे टू, ओके, सो देर इज अ 60 एप्पल्स सॉल्ड। ओके, सो यहाँ पे अगर हमें 60 एप्पल्स शो करने हैं तो हमें यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे? सो देर इज अ 6 ट्राइंगल्स। ओके, सो देर इज अ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ईच ट्राइंगल इज इक्वल टू 10 एप्पल्स। देन आफ्टर डे थ्री, देन आफ्टर डे थ्री, सो डे थ्री के अंदर यहाँ पे 70 एप्पल्स सॉल्व हुए हैं। ओके, सो देर इज अ 7 ट्राइंगल्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, सो देर इज अ 7 ट्राइंगल्स। इट मीन्स देर इज अ 70 एप्पल्स सॉल्व। तो ये हमारा आंसर है। ओके, सो इसी तरह से आपको नोटबुक के अंदर भी ये सॉल्व करना है। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स स्टार्ट। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट द टेबल शोज द नंबर ऑफ गर्ल्स प्रेजेंट फॉर द स्कूल हाउस मीटिंग ऑफ द प्राइमरी विंग, मेक अ पिक्टोग्राफ फॉर द गिवन टेबल। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने अभी पिक्टोग्राफ ड्रॉ किया था उसी तरह से हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेबल्स हमारे हाउस नेम एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, एंड देर आफ्टर रेड हाउस 12 नंबर ऑफ गर्ल्स, ब्लू हाउस 20 नंबर ऑफ गर्ल्स, येलो हाउस देर इज अ 16 नंबर ऑफ गर्ल्स एंड ग्रीन हाउस देर इज अ 8 नंबर ऑफ गर्ल्स। सो यू कैन यूज़ द स्माइली एज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पे आप स्माइली यूज कर सकते हो। ओके, बट आपको ईच स्माइली कितने स्टूडेंट्स रखने हैं, कितनी गर्ल्स रखनी है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 है, 20 है, 16 है और 8 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी में कॉमन क्या है। तो यहाँ पे 4 भी कॉमन हो सकता है, बिकॉज आप 4 को 4 का अगर टेबल बोलते हो तो सभी में ये नंबर्स आते हैं। ओके, 4 1 4, 4 2 8 होता है, देन आफ्टर 4 3 12, देन आफ्टर 4 4 16, एंड देन आफ्टर 4 5 20। तो यहाँ पे आप 4 ले सकते हो। तो आप यहाँ पे 4 का यूज़ करके भी ये कर सकते हो। सो आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो होमवर्क के अंदर करना है। ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5। ओके, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ बिलो शो द नंबर ऑफ समर कैंप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिल्ली इन पर्टिकुलर ईयर। तो यहाँ पे आपको एक पिक्टोग्राफ दिया हुआ है। ओके, सो पिक्टोग्राफ हमें शो करके यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं। इसके पहले हम क्या करते थे कि नंबर्स को देख के पिक्टोग्राफ ड्रॉ करते थे, अब हमें पिक्टोग्राफ देख के नंबर्स लिखने हैं। ओके, तो ये बहुत ही इजी है। ओके, एक बार आप सोचोगे समझोगे तो इजीली कर पाओगे। ओके,
ओके सो आप यहाँ पे की देख सकते हो, ईच टेंट स्टैंड फॉर फोर कैंप्स। तो यहाँ पे ईच टेंट, ये जो टेंट का सिंबल है, सो ईच टेंट इज इक्वल टू फोर कैंप्स। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 टेंट ड्रॉ किए हुए हैं। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे आप 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, आपको आंसर मिलेगा 12। आपको यहाँ पे लिखना नहीं है बुक के अंदर, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको ये लिखना नहीं है। ओके सो 4 3 ज़ा 12, 3 यहाँ पे टेंट है और हमारे यहाँ पे ईच टेंट इज इक्वल टू 4 कैंप्स। सो यहाँ पे हमें टोटल 12 मिल चुके हैं। सो यहाँ पे ईस्ट दिल्ली इज इक्वल टू 12। ओके उसी तरह से यहाँ पे 4 टेंट है, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। सो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 16, सेम एज अ 2 मल्टीप्लाई बाय, अदरवाइज 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। सो यहाँ पे हमें मिलेंगे 8। देन आफ्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20। सो यहाँ पे नॉर्थ दिल्ली में मिलेगा हमें आंसर 20। ओके देन आफ्टर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंप्स इन द दिल्ली ड्यूरेशन इन द ईयर ड्यूरिंग दिस ईयर। तो इस ईयर में टोटल कितने कैंप्स हुए हैं, तो हमें इन सभी का एडिशन करना है। ओके वेरी सिंपल, आप यहाँ पे डायरेक्टली भी एडिशन कर सकते हो, अदरवाइज आप अपनी नोटबुक के अंदर भी एडिशन कर सकते हो। यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। ओके सो देर इज़ अ 56 आंसर, इन सभी का अगर आप टोटल करोगे तो आपको 56 मिलेगा। ओके नाउ इट्स टाइम फॉर द आईबीएल एक्टिविटी। ओके सो लेट्स स्टार्ट। ओके सो आईबीएल एक्टिविटी के अंदर आपको क्या करना है, आपको एक सर्वे करना है। सर्वे के अंदर आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे स्टेप लिखे हुए हैं, डू अ सर्वे अमोंग योर क्लासमेट्स। ओके आपके जो क्लासमेट्स हैं उससे आपको एक सर्वे करना है और उनसे पूछना है, आस्क देम टू ट्रांसपोर्ट दे यूज टू कम स्कूल। वो स्कूल आने के लिए किस तरह का ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, वो स्कूल बस से आते हैं, रिक्शा से आते हैं, पर्सनल व्हीकल से आते हैं, या फिर कोई एक्स्ट्रा कोई अदर ट्रांसपोर्टेशन से वो आते हैं। अभी तो स्कूल हमारा बंद है, तो आप लास्ट ईयर का भी यूज़ कर सकते हैं कि लास्ट ईयर आपके फ्रेंड्स किस ट्रांसपोर्ट में आते थे। ओके अभी तो कोविड-19 की वजह से अभी बंद है स्कूल, बट लास्ट ईयर आपके फ्रेंड्स जो है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे। देन आफ्टर जो भी आपको डेटा मिले उसका एक पिक्टोग्राफ क्रिएट करना है, मेक द पिक्टोग्राफ फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड। जितने भी आपके फ्रेंड्स आपको बताएं उसका डेटा कलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको डेटा के हिसाब से पिक्टोग्राफ क्रिएट करना है। आप मैक्सिमम 6 फ्रेंड्स का क्रिएट कर सकते हो। ओके देन आफ्टर व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गैदर फ्रॉम द पिक्टोग्राफ। जब आप पिक्टोग्राफ क्रिएट कर लोगे तो आपको उसमें से क्या इंफॉर्मेशन मिली है वो आपको लिखना है, और ये जो आईबीएल एक्टिविटी है वो आपको आपकी नोटबुक के अंदर करनी है। ओके